नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सोने में निवेश या करे परहेज। इस खास पेशकश को और भी खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ है उमेदमल तिलोकचंद जवेरी के सीईओ मिस्टर कुमार जैन और जीजीसी के नॉर्थ जोन के चेयरमैन खन्ना साहब, जो खन्ना ज्वेलर्स के हैं, और साथ ही हमारे साथ क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर चिराग मेहता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत ही स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहले कुमार जैन साहब, आपके पास आते हैं। सोने में जिस तरह की तेजी इस साल देखने को मिली है, करीब 22% की तेजी अब तक आ चुकी है और अभी भी रिकॉर्ड लेवल से करीब 4%, 3 से 4% करीब नीचे है। इस माहौल में और ऐसे दौर में किस तरह की डिमांड आप अभी सोने को लेकर देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो हम दशहरा की बात करें तो गत वर्ष दशहरा के भी समय में 31,900 के आसपास जो रेट था वो इस बार 38,000 के ऊपर चला गया है। आज 38,200 के आसपास भाव है जीएसटी के साथ, और आने वाले समय में भी एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण बने हैं। जियो पॉलिटिकल इश्यू बना है, ट्रेड वॉर बना है, तो इस सब कारणों से जो सोना है बिल्कुल जो नॉर्मली 30,000 के आसपास था लास्ट 3-4 महीने के आज की बात करें तो सीधा जंप करके आज 38 और आने वाले समय में 42-43 लोग कुछ भी रेट देख रहे हैं और हो सकता है सोना इतना तेज जावे। तो इस समय में जो हम लोग जो रिटेल शोरूमों में देख रहे हैं, हमारे पास वैसे तो लंबे समय तक कुछ काम ही नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम जाएगा, शादियों का पीरियड शुरू हो रहा है, अच्छे फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, जैसे कल दशहरा है, आने वाले समय में धनतेरस है, दिवाली है, इस तरह से जो सीजनल कस्टमर जो आ रहे हैं वो अब थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, लेकिन उनके बाद फिर भी कैश का जो दिमाग में है वो कैश नहीं है और वो किसी तरह से अपने फेस्टिव सीजन की जो भरपाई पूरी करना चाहते हैं वो या तो रिसाइकल गोल्ड से देख रहे हैं या फिर उनका इन्वेस्ट किया हुआ गोल्ड है वैसे उससे काम चला रहे हैं। तो ये लंबे टाइम से चल ही रहा है क्योंकि लोगों का माइंड अब तक सेट नहीं हुआ। हो सकता है 38,000 तक जब सोना स्टेबल हो जाएगा या 40,000 के पास सोना जब स्टेबल हो जाएगा तब लोग अपना जो है अपनी फ्रेश बाइंग लोग करेंगे। फिलहाल इस समय यही चल रहा है। वैसे तो शादियों का लंबा पीरियड है, इस बार गत वर्ष की कंपेयर में 15 मुहूर्त ज़्यादा भी है। गत वर्ष 70 मुहूर्त थे, इस बार 85 के आसपास मुहूर्त हैं और ये जो पहला मुहूर्त हम नवंबर में देख रहे हैं, एक मुहूर्त के एक दिन में करीबन 31,000 शादियाँ हैं। तो ऐसा देखते हुए लंबे टाइम तक जून जुलाई तक शादियाँ हैं, हो सकता है कि अच्छा इस समय काम होगा, लेकिन कैसे होगा वो अब सब जगह एक अंधेरा छाया हुआ। लेकिन जैसे जैसे टाइम समय जाएगा, हाँ लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। वैसे अप्रिसिएशन अच्छा है, 31,900 गत दिवाली का, इस बार 38,200-38,300 के आसपास आया, तो एक अच्छा अप्रिसिएशन, लोग वो हिसाब से भी खरीदारी डेफिनेट करेंगे। और जो इन्वेस्टर हैं वो उनका ध्यान थोड़ा ETF और इस साइड गया हुआ है, ठीक है, लेकिन लोगों की जो बाइंग रहती है, हिंदुस्तान में एक ट्रेंड है कि हर साल जो 800-850 टन आता है उसमें से 500-550 टन होलमार्क होता है। इसका मतलब होलमार्क मतलब डेफिनेटली वो सोना ज्वेलरी में कन्वर्ट होता है और बाकी का इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो इस बार भी वही माहौल रहेगा, थोड़ा इम्पोर्ट भी कम आया क्योंकि रेट की वजह से ज़्यादा लोग की बाइंग नहीं रही है, लेकिन उसके सामने मैंने जैसा कि कहा रिसाइकल्ड गोल्ड और इन्वेस्ट गोल्ड है वो अब बाहर निकलेगा शादियों के लिए, और आने वाले समय में अगर ये भाव स्टेबल हो जाता है लोग इस भाव में भी खरीदारी करने में नहीं रहेंगे, मतलब चुकेंगे नहीं, डेफिनेटली लोग खरीदारी करेंगे ही। एक बात आपने बिल्कुल सही कही कुमार जैन साहब कि जो जस्टिफाई करने में प्राइस को टाइम लगता है कि आप जो महंगाई जो बढ़ गई, जो ये 30,000-31,000 का जो सोना साल की शुरुआत में हुआ करता था वो बढ़कर अब 38,000 के ऊपर जा चुका है, तो वो जो भाव है उस भाव को पचाने में लोगों को, आम लोगों को टाइम लगता है। तो इस लेवल पर आपके पास विजय खन्ना जी आना चाहेंगे, आप नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करते हैं जीजेसी की तरफ से, तो किस तरह की डिमांड नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि जिस लेवल को नॉर्थ इंडिया में खासकर लोग काफ़ी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो जो भाव जो साल की शुरुआत में वो 30-31 में खरीद रहे थे वही सोना उन्हें अब 38,000 के ऊपर खरीदना हो रहा होगा, तो क्या लग रहा है अभी भी डिमांड उस तरह की बरकरार है, उस तरह की मांग क्या लोगों की अभी भी बनी हुई है या लोग बच रहे हैं? नवरात्रा की वजह से गोल्ड के कस्टमर तो निकला है, लेकिन क्योंकि ये नवरात्र और दिवाली में ज्यादातर गिफ्ट का काम होता है, तो ब्राइडल जब ज्वेलरी का अभी नेक्स्ट दिवाली के बाद जब कस्टमर्स निकलेगा तो आई थिंक काफ़ी अच्छी परचेज होगी लोगों की। ओके, इसके अलावा एक और बात, ये आपसे कुमार जैन साहब, जैसे किस तरह की डिमांड आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा है या जैसा खन्ना साहब ने कहा कि
गिफ्ट वाली डिमांड ज़्यादा है या लोगों की परचेजिंग ज्वेलरी को लेकर ज़्यादा है, किस तरह की डिमांड वहाँ अभी मौजूदा माहौल में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, फेस्टिव सीजन आया मतलब लोगों की बाइंग, दशहरा में हमेशा एक सेंटिमेंट वैल्यू रहती है कि लोग इस समय सोना लेके अपने घर में लाते हैं और यश और समृद्धि और कीर्ति उनको प्राप्त होती है, ये फीलिंग से कल दशहरा होगा। आगे वाले धनतेरस में भी कुछ ऐसी ही मान्यता है, लेकिन इस पीरियड में शादियों का सीजन भी शुरू हुआ, नज़दीक में ही शादी आ गई है तो दोनों बाइंग चलेगी और मैं समझता हूँ कल दशहरा की वजह से एक हिट बाइंग होगी, ऐसा हमारा अनुमान है क्योंकि हमने अच्छी तैयारियां भी की है, हमने बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई है, गिफ्टें रखी हुई है, प्राइजेज रखी हुई है, लेबर चार्जेज में डिस्काउंट रखा हुआ, किसी तरह से कस्टमर को हमको बुलाना है, हमारे शोरूमों तक बुलाना है, अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे क्योंकि मैं कई सदियों से देख रहा हूँ, मैं जिस शोरूम पर बैठता हूँ 80 साल पुराना है, पाँचवीं पीढ़ी वहाँ काम कर रही, तो 20 रुपये तोले में भी वही बिजनेस चलता था और आज 38,000 में भी लोगों की बाइंग है, हर फोन आ रहे हैं कस्टमर के, कुछ कस्टमरों ने जब 35-36,000 के भाव थे तब भी बुकिंग भी करवाई है ज्वेलरी की, तो इस तरह से देखते हुए एक अच्छी सी मांग आएगी, डेफिनेटली आएगी क्योंकि सोना एक ऐसा अटूट विश्वास है लोगों का कि भाई सुख में दुख में कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट है, आप कोई भी चीज़ लो लोगे तो इसमें सिर्फ सोना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑन द स्पॉट कैश दे सकता है और पूरा पैसा दे सकता है। आप मोबाइल लेने जाओगे 40,000 का 50,000 का मोबाइल ले लिया तो आपको रिटर्न 5,000-7,000 मिलेगा, लेकिन सोना में ऐसा नहीं, आपने 40,000 का सोना लिया तो आपको लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन मिलेगा और जो लॉस है वो भी कवर हो जाएगी लेकिन पूरा पूरा रिटर्न मिलेगा। तो ये सोच हमारी रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों ने भी अब ये समझना शुरू किया है, इससे हम समझते हैं कि कल दशहरा हम काफी अच्छा काम करेंगे। यानी त्योहारी सीजन में कुमार जैन साहब को उम्मीद है कि सोने की डिमांड बनी रहेगी और नए नए ऑफर्स के जरिए ज्वेलर्स सब ग्राहकों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब चिराग जी आपके पास आते हैं, आप एक फंड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और ETF में जिस तरह का इन्फ्लो हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में, खास के सेप्टेम्बर के महीने में, अगस्त के महीने में जिस तरह का इन्फ्लो आया था, अब 6 साल की ऊंचाई के करीब ETF का इन्फ्लो है, क्या यही मोमेंटम आप आगे भी गोल्ड ETF में देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबली भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है गोल्ड ETF को लेकर, तब यहाँ से क्या देख रहे हैं, गोल्ड ETF में किस तरह का रुझान देखने को मिलेगा? जी, लंबे अरसे के बाद गोल्ड ETFs में डिमांड काफ़ी उभर के आया है, हमें लगता है कि गोल्ड ETFs के डिमांड जारी रहेगी। लोग 4-5 साल तक रिडेम्पशन ही कर रहे थे गोल्ड ETF में, मगर अभी जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं बिकॉज गोल्ड एक अच्छा रिटर्न दिया है वीज़ वी अदर एसेट क्लासेस, इक्विटी ले लीजिए या बॉन्ड्स ले लीजिए, सभी एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न दिया है गोल्ड ने लास्ट 1 साल में। और अनफॉर्चुनेटली देखें तो इन्वेस्टर्स जो है रिटर्न चेजर्स होते हैं, तो जब भी रिटर्न अच्छा होता है एसेट क्लास में से वो एसेट क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड ETF का अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी अच्छा है और उम्मीद है बिकॉज जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं ग्लोबली और इंडिया में एक स्लो डाउन का माहौल है, इसके अंदर ऐसे माहौल में सेंट्रल बैंक्स काफ़ी अकोमोडेटिव हो जाते हैं ग्लोबली। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अभी नेगेटिव 0.5% का रेट कर दिया है फ्रॉम 0.4% माइनस, तो एक नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो चल रहे हैं ग्लोबली उसके वजह से काफ़ी डिमांड गोल्ड में आता है क्योंकि गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसके वजह से गोल्ड में डिमांड काफ़ी आ रहा है ग्लोबली ETFs में और इवन इन इंडिया वी हैव सीन दैट ट्रेंड पिकिंग अप। और अगर ग्लोबली देखें तो नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन फॉर सेंट्रल बैंक, दे विल बी मोर एंड मोर अकोमोडेटिव, और इसके चलते हुए अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें गोल्ड के अंदर, एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, डाउनसाइड्स लिमिटेड है गिवन जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर बन रहा है उसके हिसाब से डाउनसाइड्स काफ़ी लिमिटेड है और अपसाइड्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। सो ऑल दीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में डिमांड काफ़ी बढ़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, एंड यूजुअली व्हेन प्राइस राइज होता है तभी इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी बढ़ के आता है एज अपोज टू द फिजिकल डिमांड। फिजिकल डिमांड एक कंपल्सिव बाइंग रहता है, मैरिजेस फेस्टिवल्स, उसके वजह से 650 टन्स का डिमांड इंडिया में है। और अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड देखें, आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड विल मेकअप फॉर एनी डिक्लाइन इन फिजिकल डिमांड ये टाइम पे, सो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी अच्छा रहेगा ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। ओके, यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा रहने की उम्मीद चिराग को है। खन्ना साहब आपके पास आते हैं, पिछले अगर त्योहारी सीजन की कुछ सालों की बात करें तो सोना सबड्यूड था, एक ही लेवल के आसपास एक रेंज में घूम रहा था और इस बार का जो फेस्टिव
प्राइस है वो बिल्कुल अलग है। तो पिछले अगर फेस्टिव सीजन से अगर तुलना करें तो अभी किस तरह की डिमांड है, आप एक पिक्चर क्लियर करेंगे उस पर? अगर पिछले साल से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये साल में काफ़ी मंदी है, लेकिन ये नवरात्रों में थोड़ा 10-15% इसका दोबारा कस्टमर आना शुरू हुआ है। लेकिन इसमें अभी मेरे विचार में जैसे हॉलमार्क मैंडेटरी होने जा रहा है तो इसमें कस्टमर को और ज़्यादा विश्वास आएगा और कस्टमर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। और आगे इस साल में बहुत ज़्यादा मुहूर्त है शादियों के, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड निकलने वाली है। हॉलमार्किंग की बात आपने की, हॉलमार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन पूरी तरह से अभी भी लागू नहीं हुआ है। लगातार नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन एक अक्रॉस द इंडिया वो लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप बड़े ज्वेलर्स हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए, तो हमारे जो छोटे शहरों में जो दर्शक है उनको आप क्या सावधानी बरते सोना खरीदने से पहले, क्या सलाह देना चाहते हैं खन्ना जी? अभी तो 30,000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन है ज्वेलर जो हॉलमार्किंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैंडेटरी हो गया तो कम से कम 65,00,000 ज्वेलर्स को भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी हॉलमार्किंग वालों के पास। और सेकेंडली आई फील के जो हमारी नीति आयोग ने अभी इसको पास किया है इसका हॉलमार्किंग का, उसको इन्होंने पब्लिश करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। यानी जैसे जैसे सेंटर और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ज्वेलर्स के ऊपर कोई, हम नहीं चाहते कि कोई ज्वेलर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, क्योंकि हॉलमार्किंग जो है वही इसके ऊपर बात सुनो, उनके पास लाइसेंस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर वो कोई फ़र्क पड़ता है किसी टाइम भी जाके, कस्टमर को कोई इम्प्योर नहीं माल मिलना चाहिए। कुमार जान साहब आप की भी इस पर राय लेना चाहेंगे, क्योंकि हॉल मार्केट और आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट मार्केट मुंबई के मार्केट के ज्वेलर्स है, तो आपको क्या लगता है क्या हॉल मार्किंग पूरे देश में लागू होने से क्या होगा, किस तरह के बदलाव होंगे? और साथ ही एक सब दूसरा सवाल ये है कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे खरीदने से पहले किस तरह की सावधानी बरते, क्योंकि छोटे शहरों गाँव में जहाँ पे लोग खरीदते हैं वहाँ पे हॉल मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है और वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। हॉल मार्किंग कह के भी देते हैं वो, तो आप भरोसा नहीं कर सकते उन ज्वेलर्स की सर्टिफिकेशन पे, तो उस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें खन्ना सर ने बता दी है, लेकिन इसमें सबसे मुख्यतः बात यह है कि सरकार ने अभी तक इतनी व्यवस्था नहीं की है। करीबन 5,00,000 सैंपल एक दिन के बनते हैं और इतना सैंपलों को स्टैंपिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और अभी तक 700 से 750 होल मार्किंग सेंटर बने हुए, उसमें भी जो रूरल एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नागपुर वगैरह में से जैसे बड़े सिटी में से अगर हॉल मार्किंग करनी है तो वहाँ पे सेंटर नहीं, लोग बॉम्बे वो माल लेके आते हैं, इतनी रिस्क उनको लेनी पड़ती है और वापस ले जाते हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े सेंटर हैं जहाँ पे सोना बहुत बिकता है, और भी कई जगह है जलगांव वगैरह है, तो जहाँ पे हॉल मार्किंग सेंटर नहीं है तो सरकार को इमीडिएट 700 जो सेंटर बनाया है उस 700 की जगह उनको 7,000 सेंटर बनाने पड़ेंगे। फिर वो अगर परफेक्ट प्लान करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली एक एक चीज़ हॉल मार्किंग होगी। आज भी कस्टमर बिल्कुल अवेयर है, कस्टमर जब शॉप में घुसता है तो सबसे पहला ये सवाल करता है कि भाई क्या आपकी ज्वेलरी जो हमको बता रहे हैं उसमें होल मार्किंग है, तो उसके स्टैम्प दिखाओ, तो हमको उनको स्टैम्प दिखा के समझाना पड़ता है कि भाई देखिए ये स्टैम्प है, ट्रायंगल का स्टैम्प है जो होल मार्किंग का स्टैम्प है। हमारे शोरूम जैसे मेरा शोरूम है तो उमेद मल तिलोकचंद जवेरी, तो मैं UTZ स्टैम्प लगाता हूँ। फिर किस कारीगर का बना हुआ है, कौन से साल में बना हुआ है, तो इस तरह से जो अवेयरनेस आई है वो डेफिनेटली बहुत आई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सरकार को बहुत सारे सेंटर खोलने होंगे तो कहीं जाके वो हर पीस को हॉलमार्किंग कर सके, नहीं तो जनरली क्या रहता है कि भाई हॉलमार्किंग के लिए 50 पीस निकाले उसमें 4 पीस सैम्पलिंग होते हैं, 4 पीस बाकी का उसके बेस पे उनको हॉलमार्क करके दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जाके मिस्टेक होती है और हो सकता है शायद उसमें कोई 19-20 चीज आवे तो पॉसिबिलिटी है कि भाई हॉलमार्क नहीं हो पाता है या कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि जितने हॉलमार्किंग सेंटर है तुरंत एकदम इमीडिएट जो 700 सेंटर है उनको 7,000 सेंटर और रूरल एरिया में पहले ज़्यादा करें, क्योंकि वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। सिटी में तो लोग समझते हैं, रूरल एरिया में बेचारे कारीगर किसान रहते हैं उनकी समझ इतनी नहीं होती है, उनको जैसे मनाया वह मान जाते हैं, तो वहाँ एक बहुत ज़रूरी है सेंटर खोलने और सरकार को बिल्कुल इमीडिएटली हर एरिया में हॉल मार्किंग सेंटर और ये मौका जो है ज्वेलर्स को दिया जाए तो और फायदा हो जाएगा, क्योंकि ज्वेलर्स इसको खुद समझते हैं, उसको खुद ही वहीं पे सेंटर खोल सकते हैं और अपने शोरूम से ही उसको होल मार्किंग करके दे सकते हैं, ताकि जवाबदारी भी कहीं मिस्टेक हो तो कल उसकी जवाबदारी शोरूम की आएगी, क्योंकि उसने अपने इधर से ही हॉलमार्क करके दिया हुआ। लेकिन इसमें कम से कम वो ज्वेलर्स है वो भी प्रॉपर माल बनाएगा
और कस्टमर को देगा, क्योंकि कस्टमर कल उठ के जाके कहीं पे भी इसकी इंक्वायरी करे तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई शोरूम से लिया है, उसने हॉलमार्क करके दिया है। तो सरकार को या तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा 700 की जगह 7000 बनावे, या फिर हमारे ज्वेलर्स लोगों को ही परमिशन दे देवे कि भाई नहीं इस तरह की किया जाए कि आपके शोरूम से ही आप हॉलमार्क करके भेजिए और आगे जाने दीजिए, तो कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, हम भी सोचेंगे नहीं हम कैसे गड़बड़ करें, तो हम खुद ही टेस्ट करेंगे और कुछ 19-20 आया तो उसको रिजेक्ट करके और दूसरा कहीं नहीं जाके बना के देंगे जी। अब चिराग मेहता जी आपके पास आते हैं, अब सोने में निवेश के विकल्प के ऊपर बात करते हैं। आप हालांकि फंड हाउस से हैं, आप ETF और गोल्ड फंड्स की ही बात करेंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर हालांकि ये आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है गोल्ड फंड और गोल्ड ETF, तो अगर दोनों में अगर तुलना की जाए तो आप किसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि गोल्ड बॉन्ड को तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, आप गोल्ड ETF को कैसे उससे तुलना कर पाएंगे? जी अगर गोल्ड ETF की बात करें तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको छोटे छोटे डिनोमिनेशन में गोल्ड लेने देता है एट प्राइसेस जो एकदम होलसेल प्राइसेस रहते हैं, जहां पे गोल्ड प्रोड्यूसर्स, गोल्ड माइनर्स, गोल्ड बुलियन बैंक्स को बेचते हैं, वो प्राइसिंग एफिशिएंसी एक गोल्ड ETF रिटेल लेवल पर 0.5 ग्राम गोल्ड बाय करते हैं उसमें लाके देता है। सो एज एन इन्वेस्टर आपको अगर गोल्ड बाय करना है तो एकदम होलसेल प्राइसिंग में गोल्ड ETF आपको देगा, प्लस आपको काफ़ी कन्वीनियंस देता है, आपको स्टोरेज की चिंता नहीं करनी है, इंश्योरेंस की नहीं करनी है, प्योरिटी की चिंता नहीं करनी है, इज अ फंड हाउस आपके लिए करता है। स्टोरेज प्रोफेशनल वॉल्ट्स में होता है, 100% इंश्योर्ड होता है और आपको प्योरिटी का ध्यान नहीं रखना है, बिकॉज फंड हाउस जो इम्पोर्टेड गोल्ड रहता है ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू वही गोल्ड बाय करता है और 100% इंश्योर्ड भी होता है ये गोल्ड। सो फ्रॉम ऑल दैट परस्पेक्टिव गोल्ड ETFs काफ़ी अच्छा है। सेकेंड इज लिक्विडिटी, जब भी आपको बाय करना है, जब भी आपको सेल करना है, ऑनगोइंग गोल्ड प्राइस जो रहेगा उसके ऊपर आप बाय और सेल कर सकते हैं, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, कोई प्रीमियम्स ज़्यादा नहीं है। सो आपको होलसेल प्राइसिंग मिलता है प्लस लिक्विडिटी मिलती है गोल्ड ETFs में। सो ये सब देखते हुए गोल्ड ETFs एक बेहतर माध्यम है गोल्ड बाय करने के लिए। सेकेंड इज गोल्ड फंड्स जो होते हैं, जो जैसे गोल्ड सेविंग फंड बोलते हैं, वो गोल्ड ETF में बाय करते हैं। गोल्ड ETF में आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं गोल्ड में, तो आप गोल्ड सेविंग फंड में एनरोल कर दीजिए। वो गोल्ड सेविंग फंड जाके गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करेगा, तो आपका रेगुलर गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा मीडियम है, एक आपको इंटरेस्ट भी देता है ओवर एंड अबाउट द गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन, मगर उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आपको चाहिए तभी वो ऑन टैप अवेलेबिलिटी नहीं होता है, या तो एक्सचेंजेस में बाय करेंगे तो प्रीमियम डिस्काउंट, मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट बहुत काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो इलिक्विड है इंस्ट्रूमेंट, आपको ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना है तो वो लेवल पे नहीं मिलता आपको। सो ये सब समझते हुए ये लगता है कि गोल्ड ETF या गोल्ड सेविंग फंड एक बेहतर मीडियम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर अ इन्वेस्टर। एक पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव में रखते हुए देखेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो में जब भी आप देखते हैं तभी आपको रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। एट टाइम्स यू हैव टू ऐड सर्टन एसेट टू योर पोर्टफोलियो, एट टाइम्स यू हैव टू सेल। सो जब भी आपको वो करना है तो गोल्ड ETF या सेविंग फंड एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। यानी गोल्ड ETF पोर्टफोलियो बिल्डिंग में आपके काम की चीज़ है, लेकिन अगर गोल्ड बॉन्ड की अगर बात करें तो गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है और आपको रखरखाव के भी झंझट से आपको मुक्ति रहती है। अब आप दोनों ज्वेलर्स के पास आएंगे, विजय खन्ना जी, जिस तरह से पेपर गोल्ड, ई गोल्ड, ऑनलाइन गोल्ड का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है और नए लोग हैं, यंगस्टर्स जो उनकी दिलचस्पी इन गोल्ड के नए माध्यम की तरफ ज़्यादा है, तो किस तरह से आप कॉम्पीट कर रहे हैं, किस तरह का कंपटीशन ये बाजार आपको दे रहा है? खन्ना जी, ऐसा है कि आजकल के यंग जो टरकाए हैं वो इसमें ज़रूर इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो अपने जिसको ब्राइडल के लिए ज्वेलरी चाहिए वो तो मार्केट से उसी टाइम परचेज करके अपने बहू को देना है या बेटी को देना है तो वो तो मार्केट से ही परचेज करेगा, तो वो दैट इज़ ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट जी। लेकिन एक हम जो इस्तेमाल हम जो हमारा जो बिजनेस है दैट इज ओनली फॉर ब्राइडल जी, अगर ब्राइडल का ही काम करते हैं। अगर हमने अगर हमारी हमारे घर में किसी की शादी अगर 10 साल बाद है और हमने आज पेपर गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया और उस समय उस जो भाव रहेगा उस समय बेच के फिर ज्वेलर खरीदे, तो इस तरह से कुछ डेंट नहीं आएगा?
नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी भी कस्टमर आए हम उसी टाइम उसको बात सुने जो मार्केट रेट चल रहा है उसके ऊपर उसको उसी टाइम चेक काट के देते हैं जी। चलिए कुमार जैन साहब आपके पास वापस लौटते हैं, अब ये बताइए कि सोने में तेजी, इसमें मैं चाहूँगा जी प्लीज़, उसमें चाहूँगा जो अभी जो शुल्क वृद्धि हुई है जी उसके ऊपर भी बात की जाए जी। इम्पोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई गई 10 से 12.5% की गई है जी, तो उसकी वजह से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और संगठित ज्वेलर जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है जी। आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे कि जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो बजट में बढ़ा के 12.5% की गई है इसका क्या नुकसान हो रहा है कुमार जैन साहब? वैसे इंटरनेशनल मार्केट जो आज है कुछ 31,900 के आसपास है और 10% इम्पोर्ट ड्यूटी है जो इस बार बढ़ा के 12.5% की गई है और 3% GST है, तो कुल मिला के 15.5% का फर्क पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट में। तो जो आज 31,900 या 32,000 के आसपास जो इंटरनेशनल का भाव है वो इंडिया में आज 38 और 38.5 के आसपास जाता, तो ये जो फर्क आया है इसकी वजह से थोड़ा एक कारण बना है, कई कारण बने हैं, ट्रेड वॉर, जियो पॉलिटिकल इशू, तो एक वो इम्पोर्ट ड्यूटी भी एक उसमें से एक कारण बना जिसकी वजह से यहाँ काम एकदम टफ हुआ है और इतना सारा सोने में राइज आई है। तो थोड़ा सरकार अगर उसमें कंसिडर करती है, लास्ट ईयर जब बात हुई थी जब ये बजट पेश किया गया था उसके पहले शायद हमारी सब GGF की टीम में जिसमें खन्ना जी सर भी थे जो दिल्ली में बैठते हैं और उनके परिचय भी अच्छे हैं दिल्ली वालों से, मिनिस्ट्री से सबसे, तो उन आप गए थे वहाँ पे और कुछ चर्चा भी हुई थी और उनको कंसिडर भी किया था और बात भी हुई थी कि भाई नहीं हमको इसमें कम करेंगे, लेकिन वो कम करने की जगह पे 6-7% लाने की बात हुई थी और कम करने की जगह पे शायद और बढ़ा दिए। तो जो 15.5% है आज तो इंटरनेशनल मार्केट के कंपेयर में आज इतना फर्क पड़ता है और सोने का भाव बढ़ने का ये भी एक कारण हो गया है। तो अगर सरकार देखती है कि भाई इंटरनेशनल 31-32,000 है और यहाँ पे 38-39,000 है, तो जो स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं वो इस इंडस्ट्री वाले वो इसमें ज़्यादा घुस गए अभी कि भाई इतना सारा 7-8,000 रुपये का फर्क है, तो एक किलो के ऊपर करीबन 7-8 लाख रुपये का फर्क पड़ जाता है जी, जी। तो कहीं ना कहीं जाके वो लोग जो ऑफिशियल बिजनेस करते हैं ऑफिशियल मार्केट से लेते हैं सोना, उनके यहाँ पे धंधा नहीं है और जो नहीं ऐसे स्मगलिंग से जो छोटे छोटे शोरूम वाले हैं जिनको समझ नहीं है या जो वो ट्रेड में नहीं है या वो सिस्टम में नहीं है, वो सिस्टम वाले उनको यहाँ पे बिजनेस नहीं मिलता है, यहाँ उनको बिजनेस मिलता है यहाँ उनको बिजनेस नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जाके सरकार को इस पे सोचना होगा। बाकी जो इशू है ट्रेड वॉर का, अब शायद कल के परसों के पेपर में पढ़ रहे थे कि भाई कुछ इम्पीचमेंट है और ट्रंप साहब चाइना से कुछ शॉर्ट टाइम में बात करेंगे, अगर बात करते और बात बैठती है तो जो ड्यूटी उनकी भी ड्यूटी का भी इश्यू उनका भी है, तो जो ड्यूटी अगर कम होती है तो तुरंत सोना वापस 30-32-33 पे आ सकता है, नहीं तो वापस और तेज जाएगा। और उन्होंने कहा भी है कि भाई नहीं ये मैं आने वाले 2020 तक इसमें मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, जैसा चलता वैसे चलने दो, तो सोने में और तेजी आएगी। यानी ड्यूटी की तो मार है ही क्योंकि 3% की GST और फिर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इसका असर तो दिख ही रहा है और उस वजह से भी प्राइस में इतनी तेजी आई है। सर फटाफट आप तीन लोगों से इस साल के अंत तक के लिए प्राइस का आउटलुक जानना चाहेंगे। सबसे पहले खन्ना साहब आप साल अंत तक सोने को कहाँ जाते देख रहे हैं? मेरा ऐसा अनुमान है कि ये सोना 40,000 से ऊपर जाएगा। 40,000 से ऊपर चला जाएगा। चिराग मेहता जी आपका क्या आउटलुक है? आप प्राइस टारगेट नहीं तो एक रेंज बता दीजिए कि किस तरह का रेंज आप सोने में देखते हैं। नहीं, ओवरऑल बुलिश जो टोन है गोल्ड में वो बरकरार रहने की उम्मीद है। एक दो महीने का व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट है, बट ओवरऑल जो फैक्टर्स पॉइंट करते हैं कि डाउनसाइड्स काफ़ी लिमिटेड है गोल्ड में और अपसाइड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सो गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड प्राइस ऊपर ही जाते हुए देख रहे हैं। जी खन्ना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। खन्ना साहब जी मेरा ये कहना है कि 2,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो 2,000 रुपये डिफरेंस की वजह से जो स्मगल गोल्ड आता है उसमें जो अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स हैं वो इसको डील करते हैं, और दूसरा इसमें जो स्मगल गोल्ड आता है उसमें बैड एलिमेंट्स आते हैं, तो बैड एलिमेंट्स जो हम नहीं चाहते कि देश के अंदर आतंकवाद और बैड एलिमेंट्स लोग आए जी, तो सरकार को चाहिए कि इसको किसी तरह भी इसको इसमें एक तो जिनको GST नहीं मिलता इनकम टैक्स भी नहीं मिलेगा, जो नंबर दो में आएगा नंबर दो में बिकेगा जी, ये जरूर इस पर सरकार कुछ फैसला करेगी, लेकिन अभी तो इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम करने पे जोर है, तो अभी तो उम्मीद नहीं लग रही है कि गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी फिलहाल कम की जाएगी, अब आगे देखते हैं क्या किया जाएगा। कुमार जैन साहब आपका प्राइस टारगेट क्या है गोल्ड को लेकर साल आता? प्राइस देख रहे हैं अभी, जैसे इम्पीचमेंट अगर किसी तरह से बात हो जाती ये वीक में कुछ बात होगी
तो सोना एक बार वापस 3-4 हजार रुपया नीचे आ जाएगा। अगर बात नहीं होती है तो सोने में तेजी है, मैं सोने को 42,500 के आसपास देख रहा हूँ और हो सकता है उससे भी ज़्यादा तेज अगली दिवाली तक, ऐसे नॉर्मल वे में भी जो इस तरह से बढ़ोतरी आई है, जैसा भी मैंने कहा कि 31,900 का भाव था गत दशहरा को और इस बार जो है 38,500 के आसपास जा रहा है। अब कल मार्केट थोड़ा तेजी खुलेगा आज के जो माहौल बन रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन सोने में तेजी है और आगे वाले समय में भी सोना 40 और 42 के बीच में सोना रहेगा। इस यानी लंबी अवधि में सोने में तीनों जानकारों का तेजी का ही नजरिया है और 40-42 हजार तक के भी टारगेट दे रहे हैं। अब तीनों मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार जैन साहब आपका शुक्रिया, चिराग जी आपका और साथ ही विजय खन्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं।